हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शुभम चौधरी फ्रॉम प्रेसी विद्यापीठ रौली बस्ती। टुडे आई विल टीच यू सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड काइंड ऑफ द सेंटेंस। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने भाग होते हैं और इसे कितने प्रकार होते हैं। आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और इसका जो डिफिनेशन होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि ये कह रहा है शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले, एक वाक्य कहलाता है। ओके, जो हमारा सेंटेंस होता है इसके दो रूल होते हैं। फर्स्ट ये कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह होना चाहिए। दूसरा ये कि उसका एक सेंस निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस उसका एक सेंस निकलना चाहिए तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पे, राम हैज़ ए बुक, राम के पास एक बुक है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस है एक व्यवस्थित रूप में रखा गया है। पहली बात ये कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक, और दूसरा ये कि इनका एक सेंस निकल रहा है। तो ये हमारे क्या हुए, सेंटेंस हुए। ओके, जैसा कि हमारा डिफिनेशन कह रहा है, जो इसका रूल है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये जो हमारे वर्ड रखे गए हैं इनका एक ग्रुप है, ठीक, और इनका एक सेंस भी निकल रहा है, कंप्लीट सेंस। इनका एक सेंस भी निकल रहा है कि राम के पास एक बुक है, एक किताब है, तो इसका एक सेंस भी निकल रहा है, ठीक। तो ये हमारे क्या हुए, सेंटेंस हुए। ऐसे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोहित इज़ राइटिंग ए लेटर, रोहित एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो इसमें सेंटेंस है इसमें भी जो हमारे वर्ड्स रखे गए हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक, इसमें ढेर सारे वर्ड्स रखे गए हैं और इनका एक सेंस भी निकल रहा है, तो ये हमारे क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था, ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो वर्ड प्रयोग किए गए हैं इसमें भी एक से ज़्यादा वर्ड रखे गए हैं, ठीक, और इनका भी एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो ये हमारे क्या हुए, सेंटेंस हुए। ओके, अगर हम इस तरह बात करें कि इनको आप व्यवस्थित तरीके रख दें, अनसिस्टमेटिकली तरीके से रख दें, तो ये हमारे वर्ड्स नहीं कहलाएंगे, जैसे कि ये हमारे सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है, जो हमारा पहला एग्जांपल है, मैंने इसको इसके एग्जांपल को इसके जो वर्ड को मैं वैसे ही रख दिया हूँ आप व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिखा बुक हैज़ ए राम, ठीक, क्या ये कोई सेंटेंस है? नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं है। हाँ, इसे हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ठीक, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही निकल रहा है, ठीक। सो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, राइटिंग रोहित लेटर इज ए, हम देख रहे हैं इसमें भी ढेर सारे वर्ड्स हैं, ठीक, इसमें ढेर सारे वर्ड्स हैं लेकिन इनका कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हुए, हमारे सेंटेंस नहीं होंगे, ये हमारे सेंटेंस नहीं होंगे क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्योंकि हमारा जो डिफिनेशन ये कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, सेकंड ये कि उनका एक सेंस निकलना चाहिए, जबकि इन दोनों सेंटेंस जो इन दोनों वाक्य का सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी इनको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं, इनको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ओके, अब आइए हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस होता है इसके कितने पार्ट होते हैं हम इस बार चर्चा करेंगे। तो जो हमारा सेंटेंस होता है इसके दो पार्ट होते हैं, देर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट हमारा ये होता है सब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का जो डिफिनेशन होता है, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब ये कह रहा है वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए उस सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि अच्छा, अब क्या आप समझते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी कि जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस लिखा होता है तो उस सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसी को हिंदी में कर्ता कहते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन कार्य करने वाला है? यू, तो यू हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। ओके, हमारा सेकंड एग्जांपल है, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है
इसमें कौन कार्य कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो हमारा क्या होगा इसमें सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट? इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा मोहन। ओके, अब आइए हम बात करते हैं इसके सेकंड का, जो सेंटेंस जो सेकंड था प्रेडिकेट, इसे हिंदी में कहते हैं विधेय। ठीक है, और इसका जो डिफिनेशन होता है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ओके, ये कह रहा है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिया है, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। ओके, तो इसमें हम ये देख रहे हैं जो हमारा यहाँ एग्जाम्पल हमने उसी पर यहाँ रखा है ताकि आपको समझ में आसानी से आए। सो जो हमारा इसमें एग्जाम्पल है, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक, तो मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह अच्छा लड़का है। ठीक, तो हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, इज ए गुड बॉय, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ इस सेंटेंस में। और हमारा सेकंड एग्जाम्पल है यू आर ए बॉय, मैंने यही एग्जाम्पल रखा ताकि आपको अच्छी तरीके समझ में आए। ओके, तो ये क्या कह रहा है, यू आर ए बॉय, तो सब्जेक्ट क्या कहा जा रहा है, यू आर ए बॉय, तुम्हें बॉय, तुम्हें लड़के हो, तुम लड़के हो। तो हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट आर ए बॉय, ये हमारा क्या प्रेडिकेट हमारा होगा। ओके ओके, अब आइए हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, काइंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं ये जानते हैं, देयर आर फाइव टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पांच प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है एसर्टिव सेंटेंस, हमारा सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारा थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और हमारा फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ये हमारे सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस हमारे पार्ट हैं। अब आइए जानते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। जो हमारा एसर्टिव सेंटेंस होता है इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जो हमारा थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, जो हमारा फोर्थ होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जो हमारा फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। ओके, सो आइए सबसे पहले समझते हैं हम कि एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो इसको साधारण वाक्य कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इसका जो डिफिनेशन होता है, ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस, यानी कि ये हुआ ऐसे वाक्य जो एक कथन का निर्माण करते हों एसर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। दोबारा समझिएगा, इसको ऐसे ही कहते हैं, ऐसे वाक्य जो एक कथन का निर्माण करते हों वो हमारे एसर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, ही इज ए ब्रिलियंट बॉय, वह एक प्रतिभाशाली लड़का है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कथन निर्माण कर रहा है, तो ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस हुआ, साधारण वाक्य हुआ। दूसरा हमारा क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व निकलता है। ठीक, हमारा थर्ड एग्जांपल है, रवि इज प्लेइंग इन द फील्ड, रवि मैदान में खेल रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये पूरे साधारण वाक्य हैं, इसमें कोई निगेटिव वाक्य या फिर कोई क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जा रहा है, पूरा साधारण है, इसमें एक कथन निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे क्या हुए, एसर्टिव सेंटेंस हुए। और जो हमारे एसर्टिव सेंटेंस होते हैं इसके कुछ पार्ट होते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं कि इसे कितने पार्ट होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ एसर्टिव सेंटेंस, जो हमारे एसर्टिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, एक हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, एक हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका जो डिफिनेशन होता है, ए सेंटेंस विच असर्ट समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि ये हुआ कि वह वाक्य जिनसे स्वीकारने का बोध हो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ओके, सो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, ही इज ए प्लेइंग, वह खेल रहा है। ठीक, आइए हम कुछ इसको और एग्जांपल समझते हैं। हमने यहाँ कुछ और एग्जांपल लिखा है और एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, जिसे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है,
मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। इसमें पूरा सिंपल है, ये स्वीकार हो रहा कि हाँ मैं पाठ याद करता हूँ, स्वीकार नहीं बहुत हो रहा है इसमें। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। हमारा थर्ड है, उसने कल मुझे एक कलम दिया, ही गिव मी ए पेन यस्टरडे। फोर्थ है, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, सी रोट ए लेटर द हर फादर। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई सेड राइट ए लेटर। तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड ए बुक। तो इसमें हम ये देख रहे हैं, इसे कोई साधारण वाक्य है एकदम, इसमें स्वीकारणी बोध हो रहा है, तो ये हमारे क्या हुए, इम्प्रोमेटिव सेंटेंस हुए। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है इसमें नेगेटिव सेंटेंस, ओके, इसमें ऐसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। सो इसको समझते हैं हम, जो इसका डिफिनेशन होता है, ए सेंटेंस विच डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि ये कह रहा है कि वह वाक्य जिनसे नकारने का बोध हो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है, रवि इज नॉट प्लेइंग, रवि नहीं खेल रहा है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, यानी कि नहीं। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, इसमें देखिए नॉट का यूज किया गया है। अच्छा, हमारा जहाँ जहाँ नॉट का यूज किया जाएगा, नॉट नेवर, वे हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। इसको ध्यान आप लोग दीजिएगा, अगर कहीं भी अगर आप किसी सेंटेंस में नॉट या नेवर दिखाई दे तो आप ये समझिएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा है। आइए इसको हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, और एग्जांपल के माध्यम से जैसे कि हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है नेगेटिव सेंटेंस के। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। इसमें हम देखते हैं कि इसमें नहीं यूज हुआ, तो इसको हम नॉट के उपयोग करते हैं। नॉट, इसमें देखिए नॉट है, यानी कि नकार रहा है, ठीक है, कि मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, नकार रहा है, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुए। हमारा सेकंड है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे डू नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वो कह रहा हॉकी नहीं खेल रहे हैं, यानी कि इसमें हमें नकारने बोध हो रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर कम लेट, आई नेवर केम लेट। तो ये कह रहा मैं कभी लेट से नहीं आया, इसमें नहीं का बोध हो रहा है, ठीक। नेवर, मैंने पहले आपको बताया, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट या नेवर आता है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए हमारे सेंटेंस में इसलिए नेवर आया कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक। इसमें देख रहे इसमें नकारने को उधर आ, नॉट इसमें प्रयोग आ रहा, ये हमारा यानी कि हुआ नेगेटिव सेंटेंस हुआ। हमारा नेक्स्ट है, मैं कल अलीगढ़ नहीं आऊँगा, आई से नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। तो नहीं जाऊँगा कह रहा है, यानी कि नकार रहा है, साफ साफ नकार रहा है कि मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊँगा। तो इसमें हमारा नॉट का यूज हुआ, तो हमारे क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। हमारा नेक्स्ट है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। तुम बुक नहीं पढ़ोगे, तो इसमें भी कह रहा है तुम बुक नहीं पढ़ोगे, नहीं यूज हो रहा है, और इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया इसमें नॉट, तो हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी चरण में। जो हमारा एसर्टिव सेंटेंस होता है, इसके बारे में एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो भी हमारा कहीं भी सेंटेंस अगर एसर्टिव सेंटेंस का होगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें हमारा सेंटेंस वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और जहाँ सेंटेंस हमारा समाप्त होगा वहाँ फुल स्टॉप लगा होगा। जैसे कि हमने यहाँ जो सेंटेंस लिए हैं, देखिए, इज ए ब्रिलियंट बॉय, तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट यानी कि ही है, तो हमने ही से स्टार्ट किया है, और जो हमारा सेंटेंस समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है सेंटेंस का, तो हमने वहाँ पर क्या लिया है, फुल स्टॉप लिया है। ओके, ये चीज़। जैसे हमारा दूसरा जो एग्जांपल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और
जहाँ हमारा खत्म हो रहा है सेंटेंस, वहाँ हमारा फुल स्टॉप है। रवि इज प्लेइंग इन द फील्ड, रवि मैदान में खेल रहा है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वहाँ से स्टार्ट हुआ रवि से, और जहाँ समाप्त हो रहा है सेंटेंस हमारा, वहाँ हमारा क्या है, फुल स्टॉप है। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे, कभी भी अगर एसआरटी सेंटेंस हमारा बनेगा तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, और जो हमारा सेंटेंस समाप्त हो जाए तो उसके आगे फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा फुल स्टॉप का चिन्ह है, सिंबल है फुल स्टॉप का। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, ये सेंटेंस विच मेक ए क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि ये कह रहा है ऐसे वाक्य जिनसे एक प्रश्न का बोध होता है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि हमने कुछ यहाँ एग्जाम्पल लिया है, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। इसमें हम ये देख रहे हैं, इसमें हमारे क्वेश्चन मार्क हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन मार्क दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है डब्ल्यू एच टाइप, यानी कि व्हाट व्हाई वेयर, ठीक है, व्हेन, तो ये टाइप होते हैं एक क्वेश्चन। कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं भी अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सेंटेंस, तो सेंटेंस के हमारे बीच में अगर कहीं व्हाट व्हाई वेयर अगर इस टाइप में आता है, हाउ, तो एक तुम्हारी क्वेश्चन टाइप हो गए, क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, डब्ल्यू एच टाइप में हो गए। एक हमारा होता है जो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले देते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, तभी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं जिसे आप पूरी और समझ में अच्छी तरीके से। सो हमारा जो आपको समझाने का पूरा प्रयास है कि आपको चीज़ समझ में आए। सो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, क्या हुआ किताब पढ़ता है, तो हमने क्या किया, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, हमने उसको पहले लिख दिया डज ही रीड ए बुक। हमारा सेकेंड है वह यहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है, वाई डज सी कम हेयर, इसे कह रहा है वह कहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है, तो हमने कहा वाई यानी क्यों, डज सी कम हेयर, ठीक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या उसने किताब पढ़ी, क्या उसने किताब पढ़ी, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हमारा पहले आ रहा है, तो इसमें अगर क्या पहले आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड ही रीड ए बुक, ओके। जो हमारा नेक्स्ट है, मोहन कब लौट कर आया था, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है कब, ये बीच में आ रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू एच का प्रयोग करेंगे, व्हेन का, व्हेन डिड मोहन रिटर्न। हमारा नेक्स्ट है, क्या वे आम खाएंगे, तो ये हमारा हुआ विल दे ईट मैंगोज। इसमें देखिए क्या पहले आ रहा है, इसलिए हमारा सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है विल, ओके। हमारा नेक्स्ट है, हम कल कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो टुमारो, हम कल कहाँ जाएंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो सेंटेंस प्रयोग किए गए, इसमें हम दो प्रकार के सेंटेंस देख रहे हैं। पहला ये कि एक में जो सेंटेंस हमारा पहले आ रहा है, पहले क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है क्या क्यों क्या, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रिया, शुड डू डज डिड वेल शैल, ये सब पहले आ जा रहे हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे। अगर कभी भी क्वेश्चन हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसके लिए हम व्हाट व्हाई हु इस प्रकार के सेंटेंस वाक्य वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू एच टाइप में। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ क्या पहले आया, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया। जब हम ये देख रहे हैं जब हमारा क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है क्यों, तो हमने ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इसकी ये नया वर्ड प्रयोग है वाई, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये आगे आएंगे और इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होगा,
ठीक है, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अच्छा, आपको इसे और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप क्या खाते हो, क्या आप खाते हो, आप क्या खाते हो, इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप खाते हो, और मैं दूसरा सेंटेंस ये कह रहा हूँ आप क्या खाते हो। इन सेंटेंस में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपको लग रहा है कि इन सेंटेंस में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंट है दोनों सेंटेंस में? जी हाँ, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। एक में ये पूछा जा रहा है तुम क्या खा रहे हो, मतलब खाने में क्या क्या खा रहे हो, ठीक है, और सॉरी एक में कह रहा है क्या खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, तो जवाब होगा यस खा रहे हैं। और अगर ये कहा जा रहा है तुम क्या क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम बताओगे हाँ मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, जैसे कि रोटी चावल सब्जी, मैं ये सब खा रहा हूँ। मतलब क्या है कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हमारा उसका जवाब यस या नो में हो जाएगा, अगर हमारा क्वेश्चन मार्क में बीच में आता है तो उसके लिए हम WH का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल हैं। अब आइए हम बात करते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस इज द कमांड एन ऑर्डर ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि ये कह रहा है कि जिस वाक्य से आज्ञा आदेश अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको दोबारा देखते हैं, तुम्हारा डिफिनेशन है ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए कमांड एन ऑर्डर ए रिक्वेस्ट और एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि ये कह रहा है जिस वाक्य से आज्ञा आदेश अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल है गिव मी ए बुक, ठीक, मुझे ये बुक दो, ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें मुझे बुक दो, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो, ठीक। सो इसमें भी देख रहे हैं कि जब हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमारा यू छुपा रहता है हमेशा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है जो वो हमारा छुपा रहता है हमेशा, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ये हुआ। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको बताया हूँ आगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। सो इसका जो डिफिनेशन होता है ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस कर्स ब्लेसिंग प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। यानी कि ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य से श्राप आशीर्वाद प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता है वह ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, जो हमारा एग्जाम्पल है मे गॉड हेल्प यू, ये कह रहा है ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ठीक। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम लंबे समय तक जीवित रहो, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ये प्रायः मे से प्रारंभ होता है, अथवा इसके जो जब सेंटेंस हमारा समाप्त होता है तो इसमें इंटरजेक्शन मार्क लग जाते हैं। यानी कि ये जो मार्क लगा है, जो सिंबल लगा है, ये इंटरजेक्शन का मार्क है। ये हमेशा प्रायः मे से स्टार्ट होगा और जो हमारा सेंटेंस समाप्त होगा उसके लास्ट में हमारा इंटरजेक्शन मार्क लग जाएगा, ये वाला मार्क लग जाएगा। ओके ओके, आइए जो हमारा लास्ट है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि ये इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। सो इसका जो डिफिनेशन होता है ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि ये कह रहा है जिस वाक्य से मन की कुछ अचानक तथा तीव्र मनोभाव प्रकट होता है वह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ओके, वो हमारा विस्मयबोधक कहलाता है। देखिए हमारा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया है एज आई कुड नॉट कीप हर लॉन्ग एज आई विज्ड, तो
कि हम ये कह रहे हैं जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमारा अल से स्टार्ट होगा और इसमें एक इच्छा का अचानक मनोभाव प्रकट होता है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ डार्क नाइट इज, इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी हाउ मैंने इसमें कितना कह रहा अचानक में कह रहा है हाउ हाउ हॉट हाउ डार्क द नाइट इज, कितना अंधेरा है ये कह रहा है। सो हम इसमें ये देखते हैं जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है प्रायः अल्स ब्रो या फिर हुर्रे से प्रारंभ होता है और इसके फुल स्टॉप समाप्त होता है। और जो हमारा सेंटेंस पूरा होता है इसमें दो तरीके होते हैं, एक हमारा फुल स्टॉप स्टार्ट होता है लगता है लास्ट में और एक होता है कि हमारा उसमें ये इंटरजेक्शन मार्क लगते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमारा तो सेंटेंस हुआ और इसमें हाउस से या अल से स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ अल से स्टार्ट हो रहा है हाउस से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ सेंटेंस समाप्त हो रहा है वहाँ का इंटरजेक्शन मार्क लग रहा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, सो आज हमने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, इसे कितने भाग होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज के क्लास में हमने ये सीखा। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।